जेंट बफेलो अरेस्ट। अम्बलपुर नाम के गांव के किसान खेती बाड़ी पर निर्भर होकर जीवन गुजार रहे थे। उस गांव में चावल, गन्ने और केले की फसल उगती थी। फसल कटने का समय आया, किसान अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। ऐसे में अचानक पता नहीं कहां से एक विराट जेंट काली भैंस गांव में प्रवेश कर गई। उसे सारे गांव में घूमता हुआ देखकर लोग भयभीत होने लगे। वो लोगों को सींग मारकर जख्मी करने लगी। वो किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे गाड़ियों को अपने सींग से ठोकर मारकर नाश करने लगी। कोई समझ नहीं पाया कि उसे कैसे वश में किया जाए। गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा होकर उसके बारे में सोचने लगे। तब कमलनाथ नाम का एक किसान, उसे यूं ही छोड़ दिया तो खतरा है, इसे किसी तरह गांव से भगाना होगा, क्या करें। रस्सी से बांध देते हैं कि सामने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई घास डाल देते हैं, वो घास खाकर बेहोश हो जाएगी, तब हम उसे रस्सियों से बांधकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं। सब किसान विमल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उस दिन उस भैंस के सामने बेहोशी की दवाई मिलाया हुआ घास डाला। भैंस आई, कमलनाथ और विमलनाथ सब उसे घास खाते हुए देखने लगे, तो भैंस घास खाकर बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। तब कमल, विमल और अन्य किसानों ने मिलकर उसे रस्सी से बांधा। वो सो रही थी। इतने में विमलनाथ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक बड़े कंटेनर लेकर आए। हमने इसे रस्सी से बांध दिया है, आप इसे ले जाएं और हमें और हमारे गांव को बचाइए। आप टेंशन ना लें, आप खुद देखिए कि हम इसे कैसे ले जाते हैं। कहते हुए उसके पास जाकर रस्सी से उसे खींचने ही वाले थे कि वो भैंस उठकर एकदम खड़ी हो गई और दौड़ते हुए खेत के ओर भाग गई। उसके रंभाने की आवाज से वो अधिकारी भी डर गए। किसानों को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो भैंस खेत को नाश करने लगी। उस भैंस ने मेरे गन्ने के खेत का तहस नहस कर दिया है, कटने के लिए तैयार फसल को मिट्टी पलीत कर दिया है, मेरे केले के बाग को भी इसने सत्यानाश कर दिया। दूसरे किसान भी अपने अपने खेत को हुए नुकसान का रोना रो रहे थे। इस भैंस को यूं ही छोड़ दिया तो हमारे खेतों का सत्यानाश हो जाएगा, हमारे कमाई का कोई जरिया भी नहीं रहेगा, अब क्या करें, यूं सोचने लगे। एक काम करते हैं, मुझे एक उपाय सुझाए। वो उपाय क्या है, जल्दी बताओ यार, कुछ करके उसे भगाते हैं, अपने फसलों को बचा लेते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में खेतों को नाश करने वाले हाथी को झुंड को कैसे एक महोत ने काबू में पाया वो पढ़ा था। हम उसे बुलाकर इस भैंस को वश में करते हैं, कैसा है मेरा आइडिया। आइडिया तो बहुत अच्छा है, जो हाथी को वश में कर सकता है वो भैंस को तो वश में कर ही लेगा। उसे तुरंत बुलाते हैं, मैं अभी उसे फोन करता हूँ, कहकर फोन किया। हाथी को वश में करने वाले भोलकनाथ ने फोन उठाया। कहिए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। मैं विमलनाथ हूँ, जम्बलपुर से बात कर रहा हूँ। आपको एक भैंस को वश में करना है और हम सब किसानों की सहायता करना होगा। हाथी को वश में करता हूँ तो क्या मैं भैंस को वश में नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, मैं आ रहा हूँ। तब भोलकनाथ अपने कंटेनर, सामान, इलेक्ट्रिक वायर, लोहे के जाल वगैरह लेकर गांव आया। फिर उस भैंस के इलाके के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर का एक बड़ा सा जाल बिछाया भोलकनाथ ने। भैंस आकर खेत को नाश करने लगी तो जाल को जोड़ने वाले स्विच को भोलकनाथ ने ऑन किया। बस भैंस उस करंट के शॉक से जाल में जाकर गिर गई। भोलकनाथ ने उस जाल को बांधा और कंटेनर में चढ़ा दिया।
फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने भोलकनाथ को धन्यवाद किया। किसानों ने भोलकनाथ का आभार व्यक्त किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस भैंस वाले कंटेनर को लेकर वहां से चले गए। सारे किसान विमल के सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे।